हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज हम जो ट्रिक बताने वाले हैं आप लोग को इस वीडियो में, वो मोबाइल डाटा से रिलेटेड है। जो कि आप लोग ओप्पो का डिवाइस यूज़ करते हैं या फिर कोई भी अन्य मॉडल का डिवाइस आप लोग यूज़ करते होंगे, तो आज हम बताएंगे मोबाइल डाटा के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग अगर फ़ोन को यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग की एप्लीकेशन होता क्या है कि हमारा डाटा जैसे ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन जो है फालतू का डाटा यहाँ पर खाना चालू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन का डाटा बहुत जल्दी चले जाता है। जैसे कि जियो का सिम आप लोग यूज़ करते हो, 1.5 GB 2 GB मिलता है, वो काफ़ी जल्दी आप लोग का जो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप लोग एप्लीकेशन जो भी यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पे जो खाते रहती है, उसकी वजह से आप लोग का डाटा यहाँ पे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आप लोग को पता भी नहीं चलता कि हमारा डाटा यहाँ पे किस टाइप से ख़त्म हो चुका है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आप लोग कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इन वीडियो को लाइक शेयर यहाँ पे कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, अभी हमारा फ़ोन का डाटा जो है यहाँ पे ऑफ है, और जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे फ़ोन का डाटा ऑफ है और आप लोग के फ़ोन में सेटिंग कोई भी अवेलेबल नहीं रहती। और जैसे अगर आप लोग के फ़ोन में सेटिंग कोई भी अवेलेबल नहीं रहती ऐसी डाटा को लेकर के, तो आप लोग को सिंपल सा तरीका रहता है कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो मैं आप लोग का जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो 2 GB रहता है काफ़ी अच्छा चलता है, ख़त्म भी नहीं होता है। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कैसे इसे ओपन करना है इसके फीचर्स के बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, अभी मेरे फ़ोन का डाटा भी ऑफ है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन ओपन कर देगा, इस आप लोग की पूरी जितनी भी एप्लीकेशन रहती है आप लोग के फ़ोन में डिफ़ॉल्ट हो गई या फिर डाउनलोड की हुई, सारी की सारी एप्लीकेशन आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए अमेज़ॉन, अगर वाईफाई भी अगर मैं कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन से, तो इसका डाटा नहीं जाना चाहिए और मोबाइल डाटा भी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ। अब होगा क्या गाइस कि आप लोग अगर फ़ोन का डाटा भी ऑन करेंगे, तो अमेज़ॉन जो मेरा वो है एप्लीकेशन है, वो किसी भी प्रकार का डाटा नहीं खाएगा, जिससे कि मेरा डाटा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलेगा और मेरा फ़ोन हैंग भी नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा यार, जब एप्लीकेशन रन करेगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग का फ़ोन हैंग होता है और रैम की वजह से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते कि जो भी आप लोग अगर एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे क्रोम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब आप लोग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइस और काफ़ी अच्छा आप लोग को जो है यहाँ पे डाटा भी पूरेगा। और सेटिंग की बात करें यहाँ पे, तो कुछ और भी सेटिंग आप लोग को मिल जाए, जैसे वाईफाई, ब्लॉक, मैसेज, ये सब आप लोग अपने हिसाब सेट कर लीजिएगा इस। एंड आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ गाइस, आप लोग जरूर यूज़ करिएगा, आप लोग का डाटा जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है चलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो भी डाउट होगा कमेंट करना बोले, हम उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो जय माता दी।